कैसी हो? How are you? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आई रुत मस्तानी कब आएगी तू? बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू? चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आई रवि, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जब 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 हनुमान सुहावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कब हनुमान। अरे दादाजी, दादाजी प्रणाम प्रणाम दादाजी। अरे 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 अरे, पहले दादाजी खुश रहो, आयुष्मान भव बेटा। अब तो लगता है बेटा तुझे विवाह का आशीर्वाद भी देना पड़ेगा। नहीं दादाजी, मैं तो ऐसे अच्छा हूँ। हाँ। मैं बस आपकी तरह हूँ, एकदम बाल ब्रह्मचारी हनुमान भक्त। मुझे नहीं करनी शादी, ये फोटो मेरे दोस्तों ने लगाई है। हाँ। अरे तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है? हाँ? बैठ यहाँ, बैठ बैठ, मैं बता। दादा मैं हूँ आपकी तरह बाल ब्रह्मचारी। अरे बेटा, मैं ही कहा का ब्रह्मचारी ठहरा है? अगर ऐसा होता जी तो तेरी दादी ना आती और ना तू आज मेरे सामने यहाँ बैठा होता। सो तो है दादाजी, पर ये बात मैं कैसे कहूँ? मैं तेरी दादी से कहूंगा। क्या दादाजी? क्या? हाँ। क्या तेरे लिए कोई सुशील सी सुकन्या अपने जैसी ही देख कर ले आवे? दादी के जैसी? हाँ दादी तो। अरे बेवकूफ, उम्र में नहीं स्वभाव में, शील में, गुण में वो तेरी दादी जैसी होगी। उम्र थोड़ा ही दादी की होगी। हाँ ये ठीक है, है? जी ठीक है ना जी। खुश रहो खुश रहो, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। आज मेरे यार की शादी है, अब इस यार की शादी है, अब तो बस उसको लेके घूमूंगा, मार्केट में जाऊंगा, रेस्टोरेंट में जाऊंगा, खाना खाऊंगा। अब मेरी आने वाली आ रही है, दादाजी ने हरी झंडी दे दी है। भगवान ने चांद भी कमाल बनाया। चांद कितना रोमांटिक और कितना खूबसूरत है। मेरा भी चांद किसी चांद से कम नहीं। आज के बाद मैं तुम्हें चांद कह के ही पुकारा करूंगा। क्यों? ठीक है ना? अब जरा घूंघट भी तो उठाओ। नहीं, तुमने वो गाने की लाइन नहीं सुनी? सुनो, तुमने गाने की लाइन नहीं सुनी? घूंघट की आड़ से दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, घूंघट की आड़ से दिलबर का। ऐसा लग रहा है तुम्हारे अंदर तो कोई साइलेंट फिल्म 1930 की, उसकी फिल्म की कोई हीरोइन तुम्हारे अंदर समा गई है। कुछ बोली नहीं, कभी हाँ कभी ना, और कुछ है ही नहीं। भला इसी में कि
सो जाते हैं। चलो सो जाते हैं, फिर क्या करें, सो जाते हैं बाबा, जैसी आपकी मर्जी। ब्रह्मा जी, मैंने आज तक यही सुना है कि आप किसी भी भक्त को आनन फानन में 3 वरदान तो दे ही देते हैं, मुझे सिर्फ 1 वरदान की आवश्यकता है। प्रभु मेरी समस्या का समाधान करें, मेरी समस्या का समाधान करें प्रभु, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे सिर्फ 1 वरदान की आवश्यकता है प्रभु। क्या बात है, बस इतने बेचैन क्यों हो? और अब तो 3 वरदान का समय जा चुका है, अब तो 1 वरदान पर भी सब्सिडी खत्म होती जा रही है। तुम्हें मैं बैक डोर से 1 वरदान दे सकता हूँ, अपनी समस्या बताओ, बोलो बोलो। प्रभु मेरा अभी अभी ताजा ताजा विवाह हुआ है, परंतु मेरी धर्म पत्नी मुझसे बात ही नहीं करती, हमेशा सर हिला के ऐसे ऐसे जवाब देती है और 1 गज लंबा घूंघट करती है। ऐसे कलियुग के जमाने में सत्यों का मॉडल मैं कैसे झेलूं? प्रभु ये मेरे जीवन का सवाल है, प्रभु मेरी समस्या का समाधान करें प्रभु, मेरी पत्नी बात ही नहीं करती प्रभु। अगर तुम्हारी पत्नी ऐसी है जैसा कि तुमने अभी भी वर्णन किया, तो तुम्हें तो अपने भाग्य को सराहना चाहिए, क्योंकि आजकल तो पृथ्वी लोक पर ऐसी पत्नियों की भरमार है जो बहुत ज्यादा बोलती है, और ऐसी पत्नियों के पति अपना जीवन बहुत कठिनाई में व्यतीत करते हैं। तुम्हें तो एक रेयर पीस मिला है वत्स, तुम खुशकिस्मत हो। नहीं नहीं प्रभु, प्रभु नहीं नहीं, मुझे तो बोलने वाली धर्म पत्नी चाहिए। सोच लो वत्स, पछताओगे। प्रभु मेरी पत्नी खूब बोलती हो, ऐसी आपसे विनती है, उसको उसको खूब लंबी ज़बान हो, ऐसा कर दीजिए प्रभु प्लीज। अब जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स, तथास्तु। अब इसकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। चंदा, अरे चंदा कहाँ हो? अरे अरे अपने पत्नी धर्म का पालन करो, मेरा रुमाल नहीं है, मोबाइल कहाँ है? चंदा, चंदा, अरे क्या है रवि डार्लिंग? चंदा कहाँ तुम? ये चंदा बंदा क्या है? इस वेरी ओल्ड फैशन नेम, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, आई डोंट लाइक इट। मतलब मुझे मून कहकर बुलाना, मून, ओके? ये तुम्हें क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरी पत्नी हो या कोई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन की मॉडल? कहा तो घूंघट वाली साड़ी वाली मेरी पत्नी, और ये 2 मिनट में चेंज, ये बदलाव, क्या बहुत जल्दी तुम हाई सोसाइटी ज्वाइन करना चाहती हो, बहुत जल्दी तरक्की चाहती हो, ये क्या हो गया तुम्हें? रवि, आई एम गेटिंग लेट, मुझे स्विमिंग के लिए जाना है। स्विमिंग के लिए? और हाँ, क्या? शाम को घर में देर से आऊंगी। हाँ। मेरा इंतजार मत करना, वो क्या है ना, मुझे बैडमिंटन की प्रैक्टिस करनी है। ओके डियर, सी यू, बाय। किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। कोई सपना तो नहीं देख रहा, मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था कि इतनी फास्ट बदल जाएगी, इतनी जल्दी चेंज। हे भगवान, मेरी बीवी से मुझे बचाओ। इंतजार मत करना, खाना खाकर सो जाना, ठीक है? मैं लेट नेट घर आऊंगी डियर। कोई बात नहीं, वो क्या है ना कि दोस्तों की चौकड़ी जमी है। अच्छा, और मेरा बीच में निकल आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं समझ गया। गुड नाइट रवि, सी यू टुमारो, बाय। हाँ ठीक है, रखो फोन। हाँ ठीक है।
ओके। कुछ अजीब थी ये शाम भी अजीब है। प्रभु प्रभु आंखें खोलिए, प्रभु प्रभु आंखें खोलिए, आपका भक्त आपको पुकार रहा है। प्रभु प्रभु मेरी दुर्दशा हो रही है, प्रभु प्रभु आंखें खोलिए, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगा, मैं डिप्रेशन में आ गया। प्रभु प्रभु मुझे यहीं कहीं खोली दिलवा दीजिए, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगा। प्रभु प्रभु हे मूर्ख मानव, अपने मन को स्थिर कर। मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि नारी को स्वर देने की भूल मत कर, मगर तू ना माना, अब ले भुगत। प्रभु प्रभु मुझसे भूल हो गई, प्रभु आप अपना वरदान वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए। प्रभु वरदान वापस लेना हमारे वश में नहीं है वत्स। मैं वरदान दे तो सकता हूँ, परंतु वापस नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे वरदान की रिटर्निंग वैल्यू कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं प्रभु, प्रभु नहीं, प्रभु नहीं, नहीं 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 नहीं। उठिए ना, सुनो, उठो। नहीं नहीं नहीं, कोई सपना देख रहे हैं? मैं आपके लिए दूध लाई हूँ। तुम मेरी पत्नी हो, तुम गूंगी तो नहीं हो? नहीं। तुम स्विमिंग के लिए तो नहीं जाओगी? अरे बाबा नहीं, मैं तुम्हारे इंतजार तो नहीं करता रह जाऊंगा। रवि लगता है तुम कोई सपना देख रहे थे, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हर हाँ। सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगी, अपना कर्तव्य निभाऊंगी, समझे? थैंक गॉड, थैंक गॉड, समझ गया, समझ गया। हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग। भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसा खतरनाक ख्वाब ना दिखाए, ऐसा खतरनाक सपना ना दिखवाए।